एक समय ऐसा था जब संपूर्ण धरती ही जंगल और समुद्र से ढकी हुई थी। मानव की आबादी बढ़ने के साथ ही पेड़ कटने लगे और जंगल का क्षेत्र भी सीमित होने लगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज भी धरती के 50% से अधिक हिस्से पर जंगल और जंगली पशुओं का राज कायम है। और यदि आप एडवेंचर्स को पसंद करते हैं और जोखिम उठाने के शौक रखते हैं तो चलिए हम आपको ले चलते हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जंगलों में। नंबर 10, क्लाउड फॉरेस्ट। साउथ अमेरिका में स्थित इस जंगल का पूरा नाम है मिंडो नाम्बिलो क्लाउड फॉरेस्ट। लगभग 192 वर्ग मीटर में फैला यह संपूर्ण जंगल बादलों से घिरा रहता है और वर्ष भर यहाँ बारिश होती रहती है, जिसके कारण ये जंगल जलीय कीड़ों से भरा है जो कि बेहद ही खतरनाक है। अमेजोन के जंगल से यह जंगल कुछ ही दूरी पर है और यहाँ 1600 से ज्यादा पक्षी, मेंढक और दूसरी जाति के जानवर रहते हैं। बादलों के कारण ये स्वर्ग में होने का एहसास देता है। नंबर 9, किनाबालू फॉरेस्ट। मलेशिया द्वीप के राष्ट्र में फैले इस जंगल को यूनेस्को की विरासत स्थलों की सूची में रखा है। लगभग 754 वर्ग किलोमीटर में फैले इस भयानक जंगल में 5000 से भी ज्यादा प्रजाति के पेड़ पौधे स्थित है। ऊंचे ऊंचे पर्वत से घिरे इस जंगल में कई तरह के खूंखार और आदमखोर जानवर भी रहते हैं। डिज्नीलैंड पार्क की तरह खूबसूरत लेकिन भयानक नजर आने वाला ये जंगल पर्यटकों से भरा रहता है। दिन के दौरान यह जंगल जितना खूबसूरत है रात में उतना ही डरावना नजर आता है। नंबर 8, डाइट्री फॉरेस्ट। ऑस्ट्रेलिया में स्थित ये जंगल जितना खूबसूरत नजर आता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जंगल दुनिया के सबसे खतरनाक पौधों और वृक्षों का घर है। यहाँ 10,000 से भी अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियां जानवरों का घर है। 1200 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में तितलियां, चमगादड़ और हजारों कीड़े रहते हैं। इसे दुनिया का सबसे पुराना जंगल भी माना जाता है। दुनिया भर से लोग इस जंगल को देखने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर डर और रोमांच का अनोखा मिश्रण है। नंबर 7, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। वैसे तो चीन में बहुत सारे जंगल है, परंतु ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात ही कुछ अलग है। लगभग 2400 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में 3500 से भी ज्यादा प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। इसी कारण से बॉटनिकल वैज्ञानिकों के लिए यह जंगल महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दक्षिण एशिया के जैव संतुलन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का 50% से भी ज्यादा योगदान है। यहाँ घूमना जितना रोमांच भरा है उतना ही खतरनाक भी है। नंबर 6, सुंदरवन फॉरेस्ट। भारत और बांग्लादेश के बीच फैला ये जंगल सुंदरता के साथ ही बेहद खौफनाक है, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यहाँ सफेद टाइगर भी देखने को मिल जाएंगे। आप पर कब और कहाँ टाइगर या कोबरा हमला कर देंगे ये कह नहीं सकते। 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में टाइगर ही नहीं बल्कि कई खूंखार जंगली जानवर और कोबरा सांप भी पाए जाते हैं। खतरे के साथ ही गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा होने के कारण इसकी खूबसूरती काफी बढ़ जाती है। यही कारण है कि पूरे विश्व में ये जंगल एडवेंचर पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थान है। इस जंगल को भी यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित कर रखा है। नंबर 5, टोंगास्ट फॉरेस्ट। ये जंगल 68,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि श्रीलंका से भी ज्यादा बड़ा क्षेत्र इसने घेर रखा है। नॉर्थ अमेरिका के अलास्का में फैले इस जंगल में असंख्य पशु पक्षी और खतरनाक जानवर रहते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर आदिवासियों के लगभग 32 समूह के 75,500 से भी ज्यादा लोग निवास करते हैं, जिनसे बचकर रहना जरूरी है। खतरों और रोमांच से भरे इस जंगल को देखने के लिए हर वर्ष 1 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक आते हैं। नंबर 4, वाल्डिवियन फॉरेस्ट। साउथ अमेरिका में लगभग 2,48,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल को रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष लगातार बारिश होती रहती है। बारिश के कारण ये जंगल जहाँ लाखों कीड़ों मकोड़ों का घर बन चुका है, वहीं यहाँ के जंगल घने हो चले हैं। लगातार बारिश के कारण वृक्षों पर की काई उग आई है। इस जंगल में 122 से भी अधिक दुर्लभ प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं। यहाँ कई ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जिनकी प्रजाति विलुप्त होने वाली है। ये जंगल मुख्य रूप से चिली और अर्जेंटीना का हिस्सा है। नंबर 3, कांगो फॉरेस्ट। ये तो आप जानते ही है कि अफ्रीका तो जंगलों का ही महाद्वीप है, लेकिन उसमें भी कांगो तो बहुत ही भयानक है। इस जंगल में 10,000 से भी ज्यादा प्रकार की प्रजातियां के पेड़ पौधे हैं। कांगो जंगल आकार में जितना विशाल है उतना ही डरावना भी है, क्योंकि यहाँ पर 1,000 से भी ज्यादा प्रकार के पक्षी और 500 से भी ज्यादा प्रकार के स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। खास बात यह है कि कांगो जंगल से होकर बहने वाली नदी में 500 से भी ज्यादा प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है, जिसमें पिराना नाम की मछलियाँ किसी भी इंसान को मिनटों में खत्म कर सकती है। नंबर 2, अमेजोन फॉरेस्ट। लगभग 70,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल को जंगलों का राजा कहा जाता है और जानवरों का स्वर्ग कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। पेरू, ब्राजील, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर, सूरीनाम,
आदि देशों में फैले ये जंगल करोड़ों पक्षियों और खूंखार जानवरों का घर है। अमेजोन के जंगल में अमेजोन नदी भी मौजूद है। कहते हैं कि यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा भी रहता है। इस जंगल में बगैर सुरक्षा के घूमना मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि ये जंगल इंसानों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। यदि आप सच में ही एडवेंचर्स के शौकीन हैं, तो इस जंगल की सैर जरूर करें। नंबर 1, टेंगा फॉरेस्ट। ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो कि एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक 1,20,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी भारत और चीन दोनों का जितना क्षेत्रफल है, उससे कहीं ज्यादा क्षेत्रफल इस जंगल का है। स्वर्ग की तरह नजर आने वाला ये जंगल अटलांटिक महासागर में भी मौजूद है। इसका ज्यादातर हिस्सा उत्तरी ध्रुव से लगा होने के कारण ये बेहद ही ठंडा है। इसके कई हिस्सों में तो बस बर्फबारी ही होती रहती है, इसीलिए यहाँ पशु और पक्षियों की कम ही प्रजातियाँ पाई जाती है और यहाँ पर 4 या 5 प्रकार के पेड़ ही पाए जाते हैं। इस जंगल में रशिया के साइबेरिया का अधिकांश हिस्सा भी शामिल है। तो यही थे दुनिया के टॉप 10 जंगल, जो खूबसूरत होने के साथ ही डरावने भी है। आपको इसमें से कौन सा जंगल सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।